तुझे क्या पता है बेटी क्या चीज थी पहले? यहाँ अन्न नहीं था, बाहर से आता था। जब लाल बहादुर शास्त्री का तो नारा है जय किसान जय जवान, देश में भुखमरी थी, देश के भंडार आज किसानों ने भर दिए, तो इनकी कोई खबर लेने वाला नहीं। कहीं मरिए सड़कों पर, कहीं कटिए। आत्महत्या कर रहा है किसान, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं जवाब देते? हमारा इन पर 45,000 करोड़ रुपया है, हमारी जो मंदी फसल लुटी है उसका 45,000 करोड़ रुपया हमारा है इन पर, और किसान पर 15,000 करोड़ रुपए का लोन है, उसे क्यों नहीं माफ करते? 30,000 करोड़ और किसानों को चाहिए इन सरकारों पैसे, और ये कहते हैं रखरखाव के लिए मोदी को बेच दिया उसको, कौन को, वो सेठ को। ये हमारे देश की धरोहर थी, वो तो लाल वहाँ भी कह रहे हैं ताजमहल, उसमें भी जाके वो पढ़ रहे हैं, वहाँ वो जो विश्व हिंदू परिषद बारे हवन कर रहे हैं, जन क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ रोकूंगी और पूछूंगी कि बीजेपी ने नहीं किया कुछ, मान लेते हैं, किस सरकार ने आज तक किसने किया है किसानों के लिए? क्योंकि मैंने इतना पढ़ा, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि किसानों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ किया, क्योंकि आंदोलन तो अभी हो रहा है, एमएसपी पे बात हो रही है, 3 बिल आ गए इसलिए ये हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी किसान तो कब से सुसाइड कर रहे हैं। देखिए बेटी, ये आपदा थी, ये आपदा किसान पहले से ही झेलता आ रहा। वो जो अन्ना हजारे जो न्यों उंगली करता था लोकपाल विधेयक लाऊंगा, वो नेता बन गया इस देश में और टोपी पहन ली सफेद, कहाँ गया आज वो, मूसे के भट्ट में दुबक गया है। और ये मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, इसने देश की दिल्ली की कुर्सी हथिया ली, और एक रामदेव बाबा है वो बड़ा पूंजीपति बन गया, जो उस आंदोलन के जो मेन हीरो थे। अब इनको कोई नेता नहीं चाहिए, किसानों को अपनी नेतेगारी, अपनी नेतागिरी हम स्वयं कर रहे हैं। हमारे 40 जो संगठन के सिपाही, क्या वो सेनापति, 40 सेनापति हैं, एक से एक होशियार पढ़ा लिखा, हमें नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं नेता हम किसी को बनने देंगे, नहीं अपने मंच पे किसी को आने देते, हम किसान स्वयं लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीत के जाएंगे। आपने कहा कि कोई आपको नेता नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी हथिया ली, देश कौन चलाएगा? देश हम चलाएगा। कैसे कैसे चलाएगा? बेटी सुन ले, किसी की सुन ले, मेरी सुन बेटा, कैसे चलाएगा सर? जब जवान हमारा, हम किसानों में से ही, जिले में हमारा आदमी हर आदमी को जानता है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, हम कुर्सी पर ईमानदार आदमी चुन के भेजेंगे, और ईमानदार आदमी जो सबकी भूख को मिटाए, देश में नई खुशहाली लाए, नई तरक्की लाए। हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था, देश की खुशहाली खेत और खलियानों से होकर निकलती है। इन्होंने तो गांवों की तरफ देखा भी नहीं, गांव उजाड़ दिया इन्होंने, शहरों को बसा दिया। ये कब तक चलेगी ये दादागिरी? नहीं चलेगी। अब पूंजीपति पे तो जो पैसा ले वह पैसा में आँच दे दे, समझाएंगे सबको, मनाएंगे, और ये जो एक पीड़ा है, कांटा लग जाता है नहीं पाम में, तो उसकी पीड़ा जन कितने दिन रहती है। और इस मोदी सरकार ने तो वो ब्रंची चोबा ठोक दिया है किसानों के तरुआ में, क्या पूरे देश के तरुआ में चोबा ठोक दिया है, उसकी पीड़ा निकलेगी नहीं, सुकारी हर समय याद रहेगी। एक इनको यहाँ से निकालिए, अब गांवों में क्या हालत हो रही है। मैं मथुरा का मैंने वीडियो देखा, यहाँ तो जो हो रहा है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, कल मैंने वीडियो देखा, ये कह दिया है इस्तीफा दीजिए बीजेपी से, जो भी एमएलए है सांसद है, यहाँ जब आइए किसानों के साथ जब आएगा, जब पहले बीजेपी से इस्तीफा देगा। इनकी तो वो हालत खराब कर दी। अरे ये ऐसा तो कांग्रेस ने बुरा किया, पर इतना बुरा नहीं किया, जो जैसे दूध की तरह, दूध की तरह माखी में से निकाल के ऐसे नहीं फेंका, और इनको तो ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं। चल यहाँ से, अब ये जा रहे हैं हमारे योगी जी महाराज बंगाल में, एक ममता दीदी भी अब तो मंदिरों में जाने लगी, इन पर तो परमिट लेके जाएगी ममता दीदी मंदिरों में। हिंदू धर्म मंदिरों में कौन नहीं जाता, मुसलमान मस्जिदों में कौन नहीं जाता, ये गुरुद्वारों में सिख भाई हम भी जाएं गुरुद्वारे में, हम मत्था टेक दें, हमारा कोई ऐब हो जाएगा? हम मुसलमान के घर जाते हैं और हमारा टाइम हो गया 5 बजे, हम भगवान का 6 बजे नाम लेंगे, तो इन भाइयों से कहेंगे भाई थोड़ा सा पानी लाइए, हाथ पाँव को साफ करके बोरी बिछा के वहाँ राम का नाम ले लें। इन्होंने ऐसा जहर घोला है, हमारे जो पहले हुए हैं मुसलमान भाई रहीम खान,
जन कितने हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है रसखान। एक मुसलमान भाई दिल्ली से हमारे नंदगाम चला गया, नंद बाबा के दर्शन किए उन्होंने और उस पुजारी ने उसे प्रसाद दिया। उसका टाइम हो गया था नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने कहा भाई मैं यहाँ नमाज कर लूँ। उसने कह दिया भाई करिए नमाज, कोई मना कर देगा? किसी कोने में कोई नमाज पढ़ ले, भगवान का नाम ही तो ले रहा है, गाली दे रहा किसी। इन्होंने पूरे देश में रूमर फैलाया और उस जगह को धोया। इनकी चालाकी को कौन नहीं समझेगा? ये तो मरवाना चाह रहे हैं देश को, लड़ाना चाह रहे हैं। कब कितना वक्त लग गया ये बात समझने में कि सरकार लड़वा रही? बेटी सुनिए, मैं एक बात रोज कहता हूँ, लोभी के गांव में बगड़ा भूखा नहीं मरता। इन्होंने एक षड्यंत्र फैलाया, एक हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम 15-15 लाख देंगे, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। ये बह गई दुनिया उस बात में। अब इन पे हुआ कुछ नहीं, सब कुछ देश का जो हमारे प्रधानमंत्री जो बना है, चाहे वो 6 महीना के बना, उसने राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाया। मोदी ने तो सबको बर्बाद करके रख दिया। तो अब कोई जनता इतनी पागल नहीं है। बैंक कर्मचारी हड़ताल पे, मास्टर हड़ताल पे, पूरा कर्मचारी मजदूर बेचारे जिनके 6-7 महीना हुए हैं, जिनके छाले अब तक ठीक नहीं हुए होंगे, वो यहाँ से, हमारे पास साधन नहीं था, चलिए कोरोना आ गया, आप बंद कर रहे हैं, यहाँ से रेल से उतारते उनको, बस से उतारते, उनके बच्चों समेत लेकर बेचारे रिक्शा पर, कोई साइकिल पर गया है, कोई पैदल गया है, जो कम से कम जिनका गांव दूर पड़ता है 500-400 किलोमीटर तक, उन मजदूरों ने तकलीफ पाई है, उनकी आत्मा ने दुख पाया है, उनको भी रोटी गांवों में ही मिला, और आज किसान के सामने वो लाकर खड़ा कर दिया है संकट। 3 महीना से और ज़्यादा होगा, 3.5 महीना, और इनकी नेक भी इनका दिल नहीं पसीज रहा, इनने ठेकेदारी ले ली है, हमारी वोटों से राजा बन जाते हैं और हमारे ऊपर लाठी चलाते हैं, ये कैसे बर्दाश्त कर ली जाएगी? हमारा बच्चा खड़ा है बेंचों वहाँ सुबह में शीत में कश्मीर जम्मू में, और हमको सड़कों पर पटक दिया। ये अन्याय को कब तक सहन करेगी ये भारत की जनता? कभी नहीं सहन करेगी। इनकी हिम्मत नहीं जो किसी किसान को हाथ लगा दे। कहाँ रुख लेता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन? किसान आंदोलन जीत के जाएगा किसान, ये कान खोल के सुन ले मोदी सरकार, इसकी हिम्मत नहीं जो किसान को डगा दे। इन पैसे भीख नहीं मांग रहा किसान, 70 साल की पीड़ा है हमारी फसल। अब हाल ये बिहार वाला भाई कह रहा था 850 में मक्का लुट जाए उसकी, किसान लुट रहा है, और मक्का का रेट इन्होंने निकाल दिया 1650 और 800 में 1850। बताइए आधा भी दाम नहीं मिल रहा, किसान के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे? इनने तो पैसा ले लिया सेठों पैसे, और हमारी इनको कोई चिंता नहीं है। ये बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी। अब तो जग गया देश का किसान, जग गया मजदूर, जग गया पढ़े लिखे भाई, जग गए। और मैं तो रोज यही बात कहता हूँ, इस देश में सभी रहते हैं। क्रांति या तो बंगाल से आई है या पंजाब से आई है। हमारे पंजाब वाले भाइयों ने देश को जगा दिया है, क्यों? हम भी नहीं समझते इनकी चालाकी को, पर वो नेक होशियार हैं, उन्होंने बात को भांप लिया। एक जो जो बिहार में हो रहा है वो हमारे साथ हो जाएगा, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये उन्हें पौने दामों में हमारी फसल को खरीद लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये बात है बेटी, ये कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, किसान जब जाएगा, जब अपनी मांगों को पूरी करके। इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया, एक देश एक कानून, मोदी जी इस बात को। पंजाब में तो बिल ही नहीं है बिजली का, इस उत्तर प्रदेश में बिल क्यों? एक देश एक कानून का हरा। कहाँ से है वैसे? मथुरा जिला है। तो आप यूपी से? आप यूपी में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? किसन नंबरदार मेरा नाम है बेटी, चुनाव सब लड़ सकते हैं, चुनाव कोई लड़िए, आगे होगा जन क्या होगा, किसे क्या मिले। ये जनता अब इतनी पागल नहीं, एक जो हर जाए हर एक आदमी चला जाए, ये तो सोच समझ के वोट देगी, अपने मजदूर को वोट देगी, किसान को वोट देगी, जो किसानों का हितैषी है उसे वोट देगी। कोई पार्टी चली जाए वोट ऐसे नहीं मिलती, वोट बिक्री पर ये समेट लाओ उनको। अब यहाँ से आगे ये गलती नहीं करेगा। किसान का हितैषी कौन है आपकी नजर? किसान का हितैषी की सब पतो है, किसान का हितैषी जिसने खेती की है, जिसके घर खेती हुई है, और जिसने मजदूरी की है, जिसने तसला ढोया
खोए हैं, उसे पता है कितनी मेहनत होती है, मकान बना दिए, बिल्डिंग बना दी मजदूरों ने बेचारों ने, उनको आज सड़कों पर छोड़ दिया वैरान।